अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद, और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी, इंडिया का नेशनल पावर टीवी। दोस्तों आज 29 नवंबर 2023 से 28 नवंबर 2023 को आईएमए की ईडी की केस की हियरिंग जो है स्पेशल कोर्ट में हुई थी, उसकी अपडेट देना ज़रूरी था लेकिन मैं अपडेट नहीं दे पाया। उसके पीछे रीज़न यह है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑफिस की टेक्निकल रीजंस की वजह से, सेटअप की वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है अपडेट्स में कमी आ रही है। खैर जो भी है, अभी इंशाल्लाह आपको जो है पूरी की पूरी अपडेट ज़रूर दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी को प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं सिर्फ दिन का 1 रुपये मांग रहा हूँ, यानी कि महीने का 30 रुपये। तो 30 रुपये हमारे गूगल पे या फोन पे नंबर 9880324059 पे डालना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा गूगल पे या फोन पे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9880324059, उस पे सपोर्ट ज़रूर भेजिएगा। फिलहाल जो है चलिए आगे खबरों की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त आपका मैं ज़ाया नहीं करूँगा। दोस्तों स्क्रीन पे आपको जो है चंद नाम दिखाई दे रहे हैं, वो है ईडी के केस में आईएमए में ये लोग अक्यूज्ड हैं। इन अक्यूज्डों की लिस्ट आप देखोगे तो जो है आपको पता चल जाएगा, इसमें नाम याद रखिएगा, नवीद अहमद, निज़ामुद्दीन और निसार हुसैन, ये तीन हैं, 2, 3 और 4 अक्यूज नंबर्स का ज़रूर जो है डिटेल्स नोट करके रखिएगा, कल की हियरिंग की अपडेट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको स्क्रीन पे जो है सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो बात दरअसल यह है कि ईडी की हियरिंग कल हुई थी और उसके बाद जो है अंडर सेक्शन 307(2) अक्यूज नंबर 2, 3 और 4 जिसके नाम मैंने अभी बताया था, इन्होंने जो है सरकारी गवाह बनने के लिए जो है स्पेशल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। तो कोर्ट जो है इसको अलाउ तो किया है लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जानिब से ऑब्जेक्शन डालने के लिए अगली तारीख मांगी गई थी। तो अगली तारीख जो है 6 जनवरी 2024 को दी गई है, ना कि दिसंबर में दी गई है, तो बहुत लंबी तारीख दी गई है, ये एक तरफ का मसला है। दूसरी तरफ ऑब्जेक्शन तो होता रहेगा, इससे हमारे जो है पैसों को लेकर के कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये, थोड़ा बहुत तो हेल्प होगा ईडी को अगर ये सरकारी गवाह बनते हैं, क्योंकि ये जो है चोर मंसूर खान के सारे कारनामे जो है ईडी को बता के जो है कानूनी जो है मदद में काम आ सकते हैं शायद। अब ये हो गया मसला। दूसरा, 1000 करोड़ के प्रॉपर्टीज जब तक ईडी के चुंगुल से छूट कर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हक में नहीं आते, आईएमए के इन्वेस्टरों को इंसाफ नहीं मिल सकता। तो वो 1000 करोड़ के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको लिक्विडेशन करना है, उसको बेचना है, बेच करके पैसे अकाउंट में लाना है, अकाउंट में लाने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप लोगों को जैसे अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसेंटली पेमेंट किया है उसको आगे आपको पूरा रिफंड देना है। तो ये 1000 करोड़ के प्रॉपर्टी बिकना ज़रूरी है, उसकी परमिशन मिलना ज़रूरी है। ये परमिशन के लिए ईडी को चार्जशीट फाइल करना ज़रूरी है। चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं की गई है, मैं पहले ही दिनों से बोल रहा हूँ, जब तक ईडी चार्जशीट फाइल नहीं करती तब तक हमारे प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं होंगे, सेल आउट नहीं होंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर पूरा पैसा चाहिए तो आने वाले दिनों में, मैं जो है अभी तेलंगाना में इलेक्शंस चल रहे हैं 30 नवंबर 2023 को, यानी कि कल, जैसे इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे हम जो है जद्दोजहद में लगे रहेंगे, हम जो है सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाएंगे, जो जो हमें प्रोसेस करना है, जो जो हमें आवाज़ उठाना है हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे इंशाल्लाह। आप मेरे अगले वीडियोस का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ, मैं उसके पीछे रीज़न है, मैं कुछ भी जोर लगाऊँ अभी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट का मसला होता है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में जैसे ही ये मसला हल हो जाता है, तेलंगाना का इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह आगे जो है हम जद्दोजहद करेंगे, प्रेजर डालेंगे अथॉरिटीज़ को और कोर्ट को, और हम जो है फैसला जो है जल्द से जल्द हमारे हक़ में होने के लिए जद्दोजहद करेंगे। मैं ये वादा तो नहीं कर सकता लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जैसे ईडी की चार्जशीट फाइल हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में हमारे अकाउंट में पूरा रिफंड आ जाएगा। तो ये पूरा रिफंड लाने के लिए आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। एक तो आप गूगल पे और फोन पे के नंबर से 30 रुपये मेरे गूगल पे या फोन पे नंबर 9880324059 पे डालोगे और सपोर्ट करोगे हर महीना, वो अलग मसला है, लेकिन
आपको जो मुझे मेन मदद करनी है वो है ट्विटर में डिजिटल स्ट्राइक करना है, या सोशल मीडिया में आवाज़ उठाना है, या कुछ और कारनामे करने हैं, या हो सकता है सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट करना हो। बहुत सारे कारनामे हैं जो हमें करना पड़ सकता है अगर 1000 करोड़ चाहिए। तो मैं पहले भी ऐसे जो है आप लोगों को बताया है, पहले भी आप लोगों ने मुझे साथ दिया है, आगे भी मुझे साथ ज़रूर दोगे, इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को जो है बहुत जल्द आप लोगों को जो है नेक्स्ट कदम हम क्या उठाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या जद्दोजहद करने वाले हैं, तमाम चीज़ें आपको डिटेल्स बताऊँगा ज़रूर। अगले मेरा वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करेगा। फिलहाल मैं आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। हमारे इस YouTube चैनल फरहान रशीद टीवी को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मैं सिर्फ दिन का 1 रुपये मांग रहा हूँ, यानी कि महीने का 30 रुपये। तो 30 रुपये हमारे गूगल पे या फोन पे नंबर 9880324059 में डालना मत भूलेगा। इस वीडियो को खूब लाइक करिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलेगा। और हमारे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया फरहान रशीद टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। आपका फरहान रशीद, आप इंडिया का नेशनल पावर टीवी।